सत्ताधारी पार्टी के नेता ही अगर लोगों का जातिगत अपमान उनसे मारपीट करने लगे तो फिर मानकर चलना चाहिए कि यही नेता पार्टी की नैया डुबाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर सागर के गोपालगंज थाने से जुड़ी है। यहाँ थाना अंतर्गत बीते दिनों तिलकगंज स्थित एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह में पहुंचे भाजपा नेता और खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक विनोद प्रजापति ने अपना आपा खो दिया। यहाँ शादी समारोह में पहले तो भाजपा नेता और चार युवकों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा नेता और युवक आमने सामने आ गए। इसके बाद भाजपा नेता ने राजकुमार आठिया निवासी तिलकगंज के साथ पहले तो मारपीट की, फिर उसका जातिगत अपमान करते हुए उसे गंदी गंदी गालियां दी। मामला युवक की शिकायत पर गोपालगंज थाने में भाजपा नेता विनोद प्रजापति पर एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं भाजपा नेता की शिकायत पर चार युवक अभिषेक रजक, राजेश यादव, बसंत बैन और गोलू पर मामला दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि जिस युवक ने भाजपा नेता पर जातिगत अपमान की शिकायत की है वह उन युवकों के साथ रहता है जिनसे भाजपा नेता का विवाद हुआ और इसी रंजिश से भाजपा नेता ने युवक से मारपीट की और उसका जातिगत अपमान किया। बहरहाल अब जब सत्ताधारी पार्टी के नेता ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो आम लोगों का क्या होगा।